हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम नियान होता है, उसे बांध के रखा गया था। वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद ये सब करने वाली कोई और नहीं, उसकी स्टेप सिस्टर थी जो खुद भी प्रेग्नेंट थी। और वो नियान को बोल रही थी कि अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, तुम मेरी लाइफ में एक सब्सिट्यूट ब्राइड बन के आई थी और तुमने मेरे हस्बैंड के साथ सोने की ट्राई किया और उससे प्रेग्नेंट भी हो गई बोलती है। लेकिन मैडम खुद प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद नियान बोल रही थी कि वो बेबी किसका है। ये सुनने के बाद उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि डजंट मैटर, अब तुम खत्म हो जाओगी क्योंकि मेरा हस्बैंड तुमसे प्यार नहीं करता, मैं वापस आ गई हूँ, तो अब हम हैप्पीली रहने के लिए तुम्हें जाना होगा, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वहाँ पर आग लगवा देती है, केरोसिन छिड़क के सीन यहीं पर कट होता है। 5 साल बाद जब नियान वापस आती है तो वो कैथरीन बन के वापस आई थी। उसका थोड़ा सा फेस चेंज हो गया था क्योंकि आग में जलने की वजह से उसका प्लास्टिक सर्जरी भी हुआ था। वो एक बेबी के साथ थी, तभी वो वहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड जिसका नाम होता है उसके साथ टकरा जाती है और जो उससे सॉरी बोलता है। लेकिन बाद में जब वो उसके टेस्ट पे निशान दिखता है तो वो शॉक में आ जाता है और उसे समझ में आ जाता है ये उसकी एक्स वाइफ है यानी कि नियान। वो उसे बोलता है कि तुम वापस आ गए, लेकिन वो बोलती है कि तुम कौन हो मैं नहीं जानती। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम नियान हो। और तभी वहाँ पर बेबी आता है, बेबी को देखने के बाद उसे बोलता है कि किसका बच्चा है, वो बोलती है कि तुमसे मतलब। और उसके बाद वो अपने बेबी को लेकर वहाँ से चली जाती है। और हमारा जो शेन होता है वो किसी को कॉल करके बोलता है कि जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाओ वो कहाँ पर है। और यहाँ पर वो किसी कैथरीन को लेने के लिए था, कैथरीन यानी कि हमारी नियान। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद एक बंदी होती है जो नियान की मदद करने के लिए आई हुई होती है। और उसके बाद वो अभी कैथरीन बन के आई थी हमारी नियान, और नियान अभी जो शेन था उसके सामने अपने बेबी को उस अपने जो हेल्पर थी उसका बेबी बोल देती है ताकि वो ये सच ना निकलवा सके कि वो उसका बेबी है, शेन का बेबी है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो शेन होता है वो जाता है सीधा हमारी नियान के घर पे। और वहाँ पर जाने के बाद वो उसे बोल रहा था कि वो बेबी किसका है, लेकिन नियान बिल्कुल भी मुँह खोलने के लिए रेडी नहीं थी। और वो ये बोलती है कि तुम ऐसे चले जाओ, हमारे बीच में जो भी था वो ख़त्म हो चुका है और मेरी प्राइवेसी को इन्वेट मत करो। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है कि मुझे सच जानना है तुम कहाँ चली गई थी 5 साल तक, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत ट्राई किया। वो बोलती कि यहाँ से दफा हो जाओ। और तभी जो शेन था वो नियान को बोलता है कि मुझे इस निशान के बारे में जानना है। वो बोलता है कि यहाँ से जाओ, लेकिन जो शेन था वो उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद देखूंगा तुम्हारे निशान को, बोल के उसे देखने की ट्राई करता है। तभी वहाँ पर बेबी आता है और उसके बाद बेबी बोलता है कि आप मेरी मम्मा को बुली क्यों कर रहे हो, आप बैड अंकल हो। तभी हमें दिखाया जाता है शेन फिर से एक बार पूछता है ये किसका बेबी है। ये सुनने के बाद जो नियान थी वो बोलती कि मेरी असिस्टेंट का। और उसके बाद उसकी जो हेल्पर थी वो आती है, बोलती कि हाँ ये मेरा बच्चा है। ये सुनने के बाद वो उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत समझ लिया होगा। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जो उसकी असिस्टेंट थी वो बोलती कि हम इस बात को कब तक छुपाएंगे, अगर उसे पता चलेगा वो उसका बेबी है तो शायद वो क्लेम भी कर सकता है अपने बेबी को वापस लाने के लिए, तो तब तुम क्या करोगे। ये सुनने के बाद नियान थोड़ी परेशानी में तो थी, लेकिन वो बोलती है कि मैं हैंडल कर लूँगी, लेकिन मैं अपने बेबी को उन जानवर के पास तो नहीं भेजने वाली। हमें दिखाया जाता है फिर से जो हमारी नियान थी वो कहीं पे जा रही होती है। और हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी जो स्टेप सिस्टर होती है वो उसे पता चल गया नियान वापस आ गई है और दोनों टकरा गए थे। और उसके बाद वो उसे फिर से वही पुराने तौर तरीके से पुराने रुपये से ऐसे बात करने की ट्राई कर रही थी। ये देखने के बाद नियान को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे एक तमाचा लगाती है। और उसके बाद वो बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ इस तरह से बात करने की, 5 साल बीत गया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था ना तुम्हारे पति के साथ, लेकिन क्या हुआ तुम अभी भी उसके मिस्ट्रेस बन के रह गई, उसकी लीगल वाइफ तो बन नहीं पाई, और मैं जब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ तो फिर से तुम मुझे परेशान करने के लिए आ गई हो, ऐसा वो बोलती है। और तभी वो भी उसे तमाचा लगाने वाली होती है, तभी वहाँ पर आता है शेन और वो उसे बोल रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी वो बोलती है कि मुझे लगा था तुम लोग मेरे साथ बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड होगे। तभी उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि हम क्यों इंटरेस्टेड होंगे तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है जो शेन का था और वो बोलता है कि सर कैथरीन यानी कि बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है और अगर इनके साथ हमारा बिजनेस ना हो पाया ना तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये सुनने के बाद शेन शॉक में आता है क्योंकि उसे पता नहीं था ये मैडम इतनी ज़्यादा बड़ी बन के वापस आ चुकी थी। और हमें दिखाया जाता है जो स्टेप सिस्टर थी वो भी सुनने का ड्रामा करती है और जो कैथरीन थी कैथरीन यानी कि नियान वो वहाँ से चली जाती है।
अब हमें घर में दिखाया जाता है जो हमारा शेन होता है, उसने जो हमारी कैथरीन यानी कि नियान की स्टेप सिस्टर को वहाँ पर रखा हुआ तो था, लेकिन उसने उससे शादी तो नहीं की थी क्योंकि वो कभी भी कैथरीन यानी कि नियान के अलावा किसी और से प्यार करता नहीं था। और जो उसकी स्टेप सिस्टर होती है जो हमेशा ट्राई करती थी कि उसके करीब होने की ट्राई करे, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करे क्योंकि उससे एक बेटी थी। अब इस बेटी का बाप कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन वो अपनी बेटी का इस्तेमाल करके उसके करीब होने की हमेशा ट्राई करती थी। लेकिन जो हमारा बंदा था वो हमेशा की तरह उसे साफ साफ मना कर देता है, बोल देता है कि तुम कभी भी मेरी लाइफ में नियान की जगह नहीं ले सकते। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि भले ही वो मर गए फिर भी नहीं, तो वो बोलता है कि हाँ वो जिंदा हो या फिर मर गए लेकिन कभी भी तुम मेरी लाइफ में मेरी वाइफ की जगह नहीं ले सकती, और वो भूल जाओ ऐसा वो बोल देता है। जो सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है अगले दिन जो हमारी नियान है वो, अभी उसे मैं कैथरीन बोलूँगी, तो वो आती है एक मीटिंग के लिए शेन के साथ, और यहाँ पर वो इतनी प्रीति बन के आई हुई थी कि वो कुछ देर तो उसे देखता ही रह जाता है। और उसके बाद जो बॉर्न वाला मार्क था वहाँ पर उसने टैटू बना दिया था, और उसके बाद वो दोनों बात करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। और उसके बाद वो मन ही मन में सोच रहे थे कि मैं देखूँगी ये कब तक अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो उसके स्टेप सिस्टर को देखती है तो वहाँ पर उसकी बाहों में गिरने की ट्राई करती है, ड्रामा करती है, और जो शेन होता है उसे बचाने की ट्राई करता है, जो देखने के बाद उसकी स्टेप सिस्टर आके तमाशा क्रिएट करने की ट्राई कर रही थी, और उसके बाद वो उसे वहाँ से भगा देती है। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में स्कूल से फ़ोन आया था, तो असल में क्या हुआ था ना, जो हमारी नियान थी उसके बेटे ने किसी को बचा लिया था जिसके चक्कर में किसी को पेड़ दिया था। तो स्कूल में जाने के बाद पता चलता है ये तो कोई और नहीं उसकी स्टेप सिस्टर की बेटी थी, क्योंकि उसको किसी ने बुली किया था तो अभी नियान के बेटे ने पेड़ दिया था। दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, और जो हमारी बंदी थी नियान वो जाती है स्कूल में, उससे जब सच पता चलता है तो वो उसे बहुत अच्छा मानती है, और वो टीचर से बातें करती है। और जो बेटी थी अब तक तो उसे पता नहीं है कि वो उसके स्टेप सिस्टर की बेटी है, और उसे तो ऐसा भी लगता है कि ये उसके स्टेप सिस्टर और उसके एक्स हस्बैंड यानी कि सेन की बेटी है। तो उसे अच्छे से बात करती है। जैसे वहाँ पर शेन पहुँचता है तो वो शौक में आ गया, और उसे पता चल जाता है कि ये उसकी एक्स का इसके बच्ची थी, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग कर चुके थे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलने के लिए निकल जाते हैं, और जो हमारा शेन था वो नियान के पीछे पीछे चला जाता है, उसे बात करने की ट्राई करता है। वो उसे बोल रहे थे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैंने सुना था मिस्टर शेन आप बहुत बड़े लड़की बाज है, लेकिन मैंने देख लिया जैसा, वो बोल के उसे थोड़ा दूर करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन ये सब कुछ उस पर काम नहीं कर रहा था। गाड़ी में जाने के बाद दिखाया जाता है जो शेन था वो बोलता है कि मेरी वाइफ है 5 साल पहले अचानक से आग में पड़ने की वजह से गायब हो गई, मुझे पता भी नहीं चला कि वो कहाँ पर चली गई, मैंने ढूंढने की बहुत ट्राई किया लेकिन वो मुझे मिली नहीं, और ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस है कि 5 साल के बाद तुम वापस आ गई, और तुम्हारा सिर्फ शक्ल में थोड़ा चेंज है वरना तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वॉइस और सब कुछ सेम है मेरी वाइफ की तरह, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोल रहा था कि मैं अपनी वाइफ को बहुत मिस करता हूँ और बहुत प्यार भी करता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारी बंदी थी नियान वो सोचती है कि कितना बड़ा झूठा है और इतनी बड़ी फेंक रहा है, इससे क्या लगता है कि ऐसी कोई भी बातें करेगा तो मैं मान जाऊँगी, ऐसा वो सोच के अपने आप से बात कर रही थी। ऑफिस पे अचानक से जो शेन का असिस्टेंट था वो भागते हुए आता है और वो बोलता है बस कुछ प्रॉब्लम हो गया है। जब नियान और शेन दोनों वहाँ पर चले जाते हैं तो वहाँ पर दिखाया जाता है जो मुंशी होती है, मुंशी यानी कि नियान की स्टेप सिस्टर, वो तो उसके बेटे को हाथ लगा रही होती है यानी कि पिटने की ट्राई कर रही थी, तो उन्हों को अलग किया जाता है। और उसके बाद शेन पूछता है क्या हुआ है तुम पागल की तरह हरकत क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद मुंशी बोलती है कि इसने तुम्हारे डाटा को चुराने की ट्राई किया। ये सुनने के बाद जो शेन था वो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम छोटे से बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, माफ़ी मांगो अभी के अभी। ये सुनने के बाद वो बोलते कि नहीं मैंने सच कहा है, मैंने देखा है ये तुम्हारे कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन चुराने की ट्राई कर रहा था, हो सकता है तुम्हारे कंप्यूटर को भी बिगाड़ देगा ये, ऐसा वो बोल के वो तो कुछ उल्टा पुल्टा ही बोलने लग जाती है। ये सुनने के बाद नियान बोलते कि मुझे लगता है मिस्टर सेन आपकी वाइफ को कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है अपनी चीज़ों से, एक काम क्यों नहीं करते कि आप अपनी वाइफ को घर पर लॉक करके रखिए, क्योंकि इस तरह से तो आपके सारे काम को ख़राब कर दीजिए, ऐसा वो बोलती है। और जो हमारी मुंशी होती है वो बोल रही थी कि नहीं इसने सच्ची में तुम्हारे इन्फॉर्मेशन चुराने की ट्राई किया, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये
सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी माँ ने ऐसा सिखाया है, वरना छोटे से बच्चे को ये सब कैसे पता होगा, बोल के उल्टा हो तो मौसी को ही ऐसे पॉइंट आउट करने लगती है। जो देखने के बाद नहीं उनको बड़ा गुस्सा आता है, और उसके बाद जो छोटा सा बेबी था वो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और उसके बाद वो बोलता है कि मैं कंप्यूटर में सब कुछ प्रूव कर सकता हूँ, और जो लैपटॉप ज़मीन पर गिरा था उसमें उससे इन्फॉर्मेशन कुछ गायब हुए नहीं थे, उसको रिकवर करवा देता है। जो देखने के बाद सब लोग तो शौक में आ गए कि एक छोटा सा बच्चा इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, और वो एक और वीडियो प्ले करता है लैपटॉप में जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, और जिसमें साफ साफ दिखाया जाता है कि जो मुंशी की बेटी होती है वो और अभिनयन का बेटा खेल रहे होते हैं, और तभी वो जो मुंशी की बेटी थी उठ के जाने वाली थी तो वो तार में उलझ के गिर गई, और उसके बाद वो उसे उठाता है, बस इतना ही था, वो लैपटॉप ऐसे नहीं गिरा था। और ये सब देखने के बाद वो ऐसे बोल रही थी कि नहीं मैंने सच्ची में देखा इन माँ बेटों ने कुछ तो किया होगा, बोल के वो तो अभी भी माँ बेटे को ब्लेम करने की ट्राई कर रही होती है। नियन बोलती है कि मुझे लगता है जब तक आपकी वाइफ है ना मिस्टर सेन तब तक तो आपका कोई बिजनेस होने से रहा, तो आप एक काम कीजिए अपनी वाइफ को घर पर ही लग करके रखिए या फिर हम दोनों तक गए, क्योंकि आज जो किया है आपकी वाइफ ने मेरे बेटे और मेरे साथ उसके बाद तो मैं इस चीज़ को ऐसे लाइटली जाने तो नहीं दे सकती, ऐसा वो बोल के जाने लगती है। सेन उसे सॉरी बोलता है। ये देखने के बाद जो नियान है वो बोलती कि एक बात बताइए आपकी वाइफ के पास उसका खुद का मुंह नहीं है क्या जो उस सॉरी बोले, गलती वो करे और उसके एब्सेंस में हमेशा आप सॉरी बोलते रहोगे ये तो क्या आपका फियर होगा, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, सोचो ना किसी दिन आपकी वाइफ किसी का खून करेगी और आप माफ़ी मांगने जाओगे तो चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपकी वाइफ माफ़ी मांगेगी तो मैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हूँ, वरना तो भूल जाओ बोल के जाने वाली होती है। और जो शेन था उसे समझाने की ट्राई कर रहा था। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो नियान थी वो एक पार्टी में आई हुई होती है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और जो शेन की नज़रें पूरी तरह से नियान की तरफ भी टिकी हुई थी, जो देख के मुंशी को तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। और वो सारे मीडिया के सामने जब मीडिया ऐसे हाईलाइट कर रही थी इन लोगों को, तो वो उसके सामने जाके माफ़ी मांगती है, और उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे पता है तुम ऐसे मतलब अचानक से प्रेगनेंट होके आ गई, तुम्हारा बेबी भी है और तुम्हारा बच्चा एलिजमेंट चाहिए, ऐसा वो बोलने लगती है। मीडिया के सामने ये आना मतलब हमारी नियान के लिए थोड़ी भारी वाली बात थी, क्योंकि अब कोई भी माँ ये नहीं चाहेगा कि चाहे कि उसके के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें बनी। सो ये माफी का डोंग मांगते हुए ये सब करवा देती है, लेकिन जो हमारी नियान थी वो भी बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं थी, वो भी उसे अच्छी तरह से मजा चखाना जानती थी। और जब उसकी राज का राज बाहर आने वाला होता है तो वो फेंट होने का बहाना करती है। और को एंड देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो नियान थी वो कहीं जा रही थी, तो वो कोई उसे ऐसे उठवा लेता है, और उसके बाद वो उसे सोफे में लेके सुला देता है। नियान की जान खतरे में हो और कोई बाहर वाला क्यों आके उसके साथ पंगे लेगा, ऑब्वियसली ये भी थी मुंशी जो अब इस बार सच में उससे मरवाना चाहती थी, अपने रास्ते से हटवाना चाहती थी, इसीलिए वो फिर से एक बार इसे जलाने की ट्राई करती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर भागम भाग का माहौल चल रहा होता है क्योंकि फायर अलार्म बज चुका था, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मुंशी थी वो सीन के पास जाके बोल रही थी कि चलो यहाँ से चलते, लेकिन वो तो उसे बिल्कुल भी देख नहीं रहा था। और हमें ये दिखाया जाता है कि वो बोला था कि नियान कहाँ पर है, नियान कहाँ पर जो यहाँ पर कैथरीन बन के आई थी उसको अभी भी वो नियानी बोला था, और ये देखिए उसे गुस्सा ही आ रहा था। हमें दिखाया जाता है उसका असिस्टेंट आके बोलता है कि नियान रूम में लॉक हो गई है, और वो भागते हुए वहाँ पर जाता है, लेकिन जो नियान थी वो तो बाहर थी। और उसके बाद वो बोलते हैं कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे हो, और उसके बाद ये देख के ना मुंशी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि जो मुंशी की बेटी थी वो आग में फंस गई थी, जो जिसको बचाने के लिए जो नियान का बेटा नियान दोनों ही चले गए थे, और नियान वहीं पर काफ़ी ज़्यादा घबराती हुई बेहोश हो गई थी, क्योंकि अब आप लोगों को तो पता ही होगा नियान को बार बार आग में डालने की ट्राई किया जाता है, तो ये उसके लिए कोई ट्रॉमा की तरह था। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में हॉस्पिटल में जो नियान का बेटा था उससे सेन पूछता है कि आपकी मम्मा को कोई दिक्कत है क्या आग से, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। ये सुनने के बाद जो नियान का बेटा होता है वो बताता है कि पता नहीं कुछ तो बात होगी, मम्मा हमेशा अगर आग के आसपास हो तो बहुत डर जाती है, एक बार मैंने देखा था हमारे घर के किचन में आग लग गई थी तो मम्मा वहाँ पर भी बेहोश हो गई थी, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद सेन को थोड़ा डाउट होता है, और उसके बाद नियान को दिखाया जाता है वो आंखें खोलती है, और फिर से एक बार मुंशी आती है, और जो बेटी की हालत थी उसकी जिम्मेदार तो अब नियान और नियान के बेटे को बता रही होती है, और वो टूट पड़ रही थी नियान है नियान के बेटे पर। नियान को भी बहुत गुस्सा आता है, वो उसे तमाचा लगाती है, और उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर तुमने अपने हाथ पार की और मेरे बेटे को हार्म करने की ट्राई भी किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, मैं भूल जाऊँगी कि तुम एक इंसान हो, या फिर मैं भूल जाऊँगी कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैं अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए
कुछ भी कर सकती हूँ। ये सब सुनने के बाद जो हमारी मौसी थी वो बोले थी कि नहीं, इन दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को हार्म करने की ट्राई किया था। जो नियान भी तो बिल्कुल भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी, भले ही वो पहले बहुत इनोसेंस से थी लेकिन इस बार वो इनोसेंस में नहीं थी। तो हमें दिखाया जाता है जो नियान थी उसने जब जो मुंगसी थी उसने आग लगाने की ट्राई किया था, उससे पहले उसने जो बोला था कि इस बार मैं बिल्कुल भी चुकने वाले हूँ नहीं इसको मारने के लिए, तो वो मोमेंट का वॉइस ट्रिगर कर दिया था और वो सुना देती है शेन के सामने। शेन के सामने इसका चिट्ठा तो खोल गया और वो बोल रही थी कि एक बात बताओ मुंशी, ये तुम नहीं तो कौन है, तुम्हारा जाना पहचाना से साउंड है ना। और मुंशी फिर से बहाना करने लगती, ड्रामा करने लगती कि मैं इसको नहीं जानती, ये दोनों माँ बेटे मिल के मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन जो बेटा होता है नियान का वो बोलता है कि अंकल में सीसीटीवी रिकवर करवा के आपको दिखा सकता हूँ, और उसके बाद वो सीसीटीवी रिकवर करवा देता है। ऐसे आप लोगों को बता दूँ ये बंदा इतना इंटेलिजेंट है ना, कंप्यूटर आईटी का एक्सपर्ट है। सो सीसीटीवी रिकवर करवाने के बाद तो जो सोफे में नियान को सुलाया गया था और मुंशी आके उसके ऊपर केरोसिन छिड़क के आग लगाने की ट्राई कर रही थी, सब कुछ दिखा जाता है। अब तो क्या था, अब तो इसकी राज तो बाहर आ चुकी थी, जिस बात की वजह से शेन एक डिसीजन लेता है कि अब से उसकी बेटी के साथ वो नहीं मिल सकती। और जो मुंशी होती है वो माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी लेकिन वो भी बिल्कुल भी नहीं करता। नियान बोलती है कि मैं इस घर में आना ही बंद करूँगी और अच्छा रहेगा कि हम दोनों के बीच बिजनेस वाले रिलेशन हो, क्योंकि अभी इसके वजह से आपकी बेटी के ऊपर भी इसका बहुत खराब असर पड़ रहा है, ऐसा बोल रही होती है। हमें दिखाया जाता है जो नियान का बेटा था ये सब देखिए खुश तो बहुत ज़्यादा होता है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में नियान हॉस्पिटल में थी और उसका बॉस आ गया जिसका नाम हान होता है। नियान बहुत बड़ी डिजाइनर बनना चाहती थी जब उसकी शादी हुई थी और वो हान को बहुत एडमायर करती थी, लेकिन ये बात जो शेन था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अभी जैसे हान आ गया नियान को देखने के लिए, नियान बहुत खुश थी, उसे बॉस कह के बुला रही होती है। और जो बेटा था वो भी अंकल कह के काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिख रहा था। जैसे ही वहाँ पर शेन आता है वो दिखता है वो लोग वहाँ पर थे, और जैसे ही हान अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है मैं उसका बॉस हूँ, मैं एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, ये सुनने के बाद वो कुछ पास्ट याद कर रहा था जहाँ पर जो नियान होती है उसे वो बेड पे ऐसे कसीट रहा था। और उसके बाद वो बोल रहा था कि तुम किसी भी ऐसे रैंडम लड़के के पीछे नहीं जा सकती, तुम ये बहाना करके कि तुम उसके उसको आइडियलाइज करती हो, तुम सिर्फ मेरी हो, ऐसा उसने बोला हुआ था। तो वो सारी चीज़ें याद कर रहा था और अभी प्रेजेंट में वो उसे इग्नोर करता है। घर में जाने के बाद दिखाया जाता है फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जो नियान थी वो आती है शेन के पास, और उसके बाद वो डिवोर्स पेपर को दिखाते हुए बोलते हैं कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। शेन उसे मना करता है और जो नियान थी वो बोल रही थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो इससे बेटर यही है ना कि हम दोनों एक दूसरे से अलग ही हो जाए। शेन बोलता है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम अपने लवर के साथ सेटल हो जाओ, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। पहले तो तुमने खुद मुझे सीड्यूस किया मेरे बेर तक आके, और अभी सती सावित्री बनी का ड्रामा कर रही हो। जो नियान थी वो उसे बोल रही थी कि मुझे डिवोर्स दे दो, सब कुछ खत्म करो और आपने अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ये सुनने के बाद उसे बोला था कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो शेन होता है वो नियान के घर पे चला जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ काम होता है, लेकिन वहाँ पर देखता है वहाँ था हान था। हान काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग कर रहा था इन लोगों के पास, और जो नियान थी उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। नियान बोलती है कि मेरा फियांसी है तो यहाँ पर क्यों नहीं रह सकता। ये सुनने के बाद जो शेन था वो बोलता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर कैसे अकेले छोड़ सकता हूँ। ये सुनने के बाद नियन फिर से एक बार उसे याद दिलाती है कि मिस्टर शेन आपकी एक बेटी है, आपकी एक वाइफ है, और इट्स बेटर कि आप अपने पुराने रिश्तों से ज़्यादा आप अगले वाले रिश्ते के साथ ज़्यादा फोकस करें, जाइए बोल के उसे वहाँ से भेज देती है। शेन को सब देख के बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है जो नियान के पास उसकी स्टेप सिस्टर ड्रामा करते हुए आती है और बोलती है कि हम सारी जो भी मैंने किया उसके लिए, और वो उसे फूलों का बुके दे रही होती है। ये देखने के बाद नियान को बड़ा गुस्सा आता है और वो पास याद कर रही थी और वो बोल रही थी कि तुम लोग के क्या लगता है मेरी लाइफ कोई मजाक है जो बार बार तुम दोनों आके मुझे इस तरह से हम करते रहोगे, बोल के उसे वहाँ से भगा देती है। हमें ये दिखाया जाता है कि जो शेन था उसे डाउट था जो नियान का बेटा है उसका बेटा है, ऐसा सोच के मतलब जो सच भी था तो उसने डीएनए का रिपोर्ट टेस्ट करवाया था, लेकिन ऑलरेडी जो हमारी मुंशी थी उसने इस रिपोर्ट को बदल दिया था जिस बात की वजह से डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं होता, जिसकी वजह से शेन थोड़ा अपसेट होता है। और जो मैडम थी वो तो बिल्कुल भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही होती है। और फिर से हमें दिखाया जाता है जो नियान थी उसके सारे कामों को प्लेगराइजिंग यानी कि उसका जो डिज़ाइन था वो ऑलरेडी चोरी किया हुआ है, ऐसा मार्केट में अफवाह फैल गई थी क्योंकि ऑफिस के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन जो मुंशी थी उसने भेज दिया था और उसका ब्लेम पूरा नियान पे लगाया हुआ था। सो
वो जो उसकी सारी असलियत थी वो बाहर आ जाती है, जिस बात की वजह से शेन बहुत गुस्से में था। वो माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही थी, लेकिन इस बार वो उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर देता और बेटी से भी वो दूर कर देता है, इवन उसके फैमिली से भी उसे वो दूर कर देता है और उसे धक्का मार के बाहर निकाला जाता है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में जो नियान का बेटा और मुशी की बेटी थी, वो दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ खुश थे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। और उसके बाद ये लोग सोच रहे थे कि क्या है दोनों कपल बन सकते हैं। नियान का बेटा बोलता कि बिल्कुल भी नहीं, ये बंदा मेरे मम्मा को इतनी बुरी तरह से ट्रीट करता है, मैं कभी नहीं मानूंगा इसको अपना पापा, ऐसा वो बोल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में जो शेन था उसके पास डॉक्टर का रिपोर्ट आ गया था, जहाँ पर नियान यानी कि अभी वो जो कैथरीन बन के आई हुई थी वो नियान ने ये सच बाहर आ गया था। इस बात की वजह से जो शेन था उसे कन्फर्म कर रहा था और वो बोल रहा था कि मुझे सच बताओ तुम क्यों चली गई थी अचानक से 5 साल पहले, कहाँ गायब हो गई थी। ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और सारा सच बता देती है और वो ये भी बता देते कि हाँ मुझे पता है तुम्हारी जो वाइफ है उसने मुझे मारने की ट्राई किया था, वो तो अच्छा हुआ कि मैं बच गई, मेरे लिए कोई ट्रॉमा से कम नहीं है। और तुम मुझे इस तरह से पूछते हो उस चीज़ को जैसे कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है, मैंने इतना तो जरूर जाना है कि तुमसे प्यार करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और अभी मुझे पाने का सपना देख रहे हो, भूल जाओ, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद जो शेन था वो बोलता है कि मुझे पता है स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन बाद में मुझे तुम बहुत पसंद आने लगी थी, मेरे लिए तुम बहुत मायने रखते हो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसा वो बोल के उसे समझाने की ट्राई कर रहा था। और वो बोल रहा था कि 5 साल पहले जो भी हो मुझे नहीं पता तुम अचानक से क्यों गायब हो गई थी, सब ने बोला था तुम मुझे छोड़ के जा चुकी हो, तुम किसी और के साथ भाग गई हो, लेकिन मुझे इस बात पर भी बिल्कुल भी परेशान नहीं था, ऐसा वो बोल के उसे समझाने की ट्राई कर रहा था। नियान उसकी कोई भी बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती और वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे एक कोई भी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है और मैं अपने लिए मूव ऑन कर चुकी हूँ और तुम भी कर जाओ, ऐसा वो बोल देती है। लेकिन मैडम ये जरूर कन्फ्यूज करती है कि हाँ वो बच्चा तुम्हारा है लेकिन सिर्फ मेरा बच्चा है, मैं तुम्हें कभी भी उसके आसपास जाने भी नहीं दूंगी, ऐसा वो बोलती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी और अपसेट थी। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट नियान और उसके बेटे को किडनैप किया जाता है, किसी और ने नहीं बल्कि मुंगसी ने, और शेन आके उसे वहाँ पर तो बचा तो लेता है लेकिन उसे स्टैप किया गया था नियान को बचाते बचाते और वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाता है और उसके ध्यान रखने के लिए नियान को वहाँ पर रोकना पड़ता है क्योंकि पहले तो वो मना करती है, ये बोलते हैं कि मैं नानी को भेज दूँगी, लेकिन वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने आप को रिस्क में डाला और तुम नानी को भेज के इससे एहसान चुका रही हो, बोल के वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है। नियान मान जाती है और वो उसका ख्याल रखने लग जाती है, वो थोड़ा थोड़ा करके बेटर तो हो रहा था। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में जो नियान की स्टेप सिस्टर मुंशी होती है वो धीरे धीरे करके उसे ड्रग देने लगती है, जिस बात की वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। और जो शेर होता है उससे वो तड़ा धमका के जैसे भी करके नियान को तो ठीक कर लेता है, लेकिन वो खुद ही बीमार पड़ गया था और वो बहुत ज़्यादा सीरियसली एडमिटेड हो जाता है, जो देखने के बाद नियान को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और वो उसका ख्याल रखने लगती है। और इस दौरान उसे ये रियलाइज़ होता है कि भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन वो शेन से जितना प्यार करती है वो किसी और से प्यार नहीं कर पाएगी। सो शेन जब अपनी आँखें खोलता है तो वो उसे ये सच भी बता देता है कि जो मुंशी की बेटी है वो उसके ट्विन ब्रदर की एक बेटी होती थी। तो असल में क्या था ना, जो उसका ट्विन ब्रदर था वो बचपन में गलत हरकतों की वजह से घर से निकाला गया था और उसके बाद वो फॉरेन में उसने मुंशी को ऐसे डेट करना स्टार्ट किया, उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। और जो मुंशी होती है वापस आके वो उसे सारा सच बता देती है और उसके बाद उस जब बेटी पैदा हो गई तो अब दुनिया ने तो देखा था कि जो शेन की तरह ही दिखने वाले बंदी को वो डेट कर रही थी, यानी कि अब किसी को नहीं पता कि वो शेन है या फिर कौन है। तो इसलिए वो अपने वो छोटी बच्ची के लिए उसने मुंशी को अपनाया था लेकिन एज एन वाइफ नहीं बस बेटी को अपनाया था, वो सारा सच बता देता है। और नियान और शेन में सारी बातों और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है और एक बार ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने का डिसीजन ले लेते हैं। तो ड्रामे के एंड में दिखाया जाता है जो नियान और शेन थे उन दोनों की हैप्पी मैरिड हो जाती है बेटे के प्रेजेंस में। और गाइस यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।